पूर्णिया के युवा जदयू के जिलाध्यक्ष रंजन कुशवाहा को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। रंजन कुशवाहा ने इस पूरे मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रंजन कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि बीते 21 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम्हारा नेतागिरी ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा नेतागिरी ज़्यादा दिन चलने नहीं देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम जहां भी रहोगे वहां तुम्हें ख़त्म कर देंगे। रंजन कुशवाहा ने बताया कि धमकी देने वाले ने अपना नाम सौरभ कुमार सत्या बताया है, जो कि पूर्णिया जिले के केनगर थाना क्षेत्र के गढ़िया बलवा निवासी राजेश मेहता और उन्ना का पुत्र है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या मामला हुई है? अभी आप मुफस्सिल थाना में आवेदन देने आए हैं क्या? जी, मामला है, कल रात्रि 9:19 में एक नया नंबर से फोन आया, जो नंबर है 6209970593। फोन आया, बता रहा, बार बार बोला हम सौरभ कुमार सत्या बोल रहे हैं, सौरभ कुमार सत्या बोल रहे हैं, नाम बता रहा था और बोला कि जो आप रंजन कुशवाहा बोले, हम बोले हाँ, बोले कि जो ढेर नेता बन रहे हैं, गाली भद्दी भद्दी गाली गलौज, जान मारने की धमकी, सही से चलिए न तो नेतागिरी आपका छुड़ा देंगे, नेतागिरी नहीं करना बंद कर देंगे। ढेर कुशवाहा का नेता बनता है, ढेर बड़का नेता बन रहा है, इसी तरह से गाली गलौज देते हुए और दूसरी बार फिर कॉल किया उधर से, जो मेरा नाम सौरभ कुमार सत्या है, पिता का नाम राजेश कुमार मेहता है, उर्फ मुन्ना है, के नगर थाना घर है मेरा, जो दरोगा के पास जाना है, जहाँ जाना है जाओ, जो करना कर लो, हमको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसका सूचना हमने रात में माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी को भी व्हाट्सएप पर करके कॉल करके बोला और माननीय मंत्री लेसे सिंह को भी सूचना दिया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के जो हमारे उमेश सिंह कुशवाहा उनको भी दिए और अभी हम लिखित आवेदन देने मुफस्सिल थाना रानीपुत्र आए हैं। कौन है ये जो आपको गाली गलौज दिया, धमकी दे रहा है, इसको आप कैसे जानते? जी हम नहीं जान रहे हैं, नाम ये बता रहा है, सौरभ कुमार सत्या हम बोल रहे हैं। कैन के साथ आपके पहले कोई बात शुरू की? जी जी, हम जान भी नहीं रहे इनको। इनको आप नहीं जान रहे? जी, अचानक फोन कर रहा जी, वो जाति सूचक बात बता जी जी। आप राजनीति कर रहे हैं? जी जी, हम राजनीति, किस पार्टी से जुड़े हैं? जेडीयू पार्टी से जुड़े। आपकी तो सरकार है भाई साहब, पूरे बिहार में आपकी सरकार है, महागठबंधन की आपकी सरकार है, इसके बाद आपके साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं बिहार में कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा है। ये अपराधी तो अपराधी है, पार्टी बेसिस पार्टी से तो कोई नहीं है, अपराधी का एक अलग जाति होता है, चाहे जो भी हो, अपराधी है तो अपराधी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायत के प्रतिनिधित्व भी आप कर रहे हैं? जी जी, पंचायत से उप सरपंच भी हैं। किस पंचायत से? डिमिया छतरजान पंचायत से। और क्या आपसे रंगदारी वगैरह का ऐसा कहीं कुछ, क्या बात? गाली गलौज दिया गया, बहुत भद्दी भद्दी गाली, जान से मारने की धमकी दिया गया, इस तरह से बोला गया जो राजनीति छोड़ देना है, मतलब बहुत तरह जिसका कॉल टिकट मेरे पास है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं। क्यों ऐसा आपको क्या लग रहा है कि वो जान मारने की धमकी आपको दे रहा है? हो सकता है राजनीतिक रंजिश हो, राजनीति के तहत पार्टी इस बार हमें रीवा जेडीयू का जिला अध्यक्ष पूर्णिया का बनाया, हो सकता है ये भी वजह हो सकता है, लेकिन इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसकी मांग आप कर रहे हैं? जी, इसकी मांग हम ऑफिस थाना से कर रहे हैं। इसी को लेकर थाना पहुंचे? जी जी, थाना पहुंचे। क्या परिचय? रंजन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष रीवा जेडीयू पूर्णिया, सब उप सरपंच जिला अध्यक्ष। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।